हाय गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम प्रतिष्ठा एंड हियर आई एम विद अनदर वीडियो। सो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्टेड थी, जिसमें आप लोगों ने टाइम टेबल के बारे में पूछा था कि ये जो आने वाले 3 महीने हैं एग्ज़ाम से पहले, 2023 का एग्ज़ाम आपको पता है कि अक्टूबर मंथ में होगा, 12-13 ऐसे कोई डेट है, तो उसके पहले आपका शेड्यूल कैसा होना चाहिए, एक टाइम टेबल आपने बनाने के लिए कहा था। तो यहाँ पर आपको ये समझने की ज़रूरत है कि मैंने एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल बनाया है उन बच्चों के लिए जो कहीं पर नहीं जाते हैं, सिर्फ ऑनलाइन पढ़ रहे हैं YouTube वगैरह से या फिर सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए ये टाइम टेबल है। आप अगर जॉब जाते हैं, आपने एक दो कोचिंग की हुई है जिसका टाइम आपको देना पड़ेगा, आपने शॉर्ट हैंड कर रखा है, बहुत सारे लोगों ने कर रखा होगा, तो वो लोग अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। मैं एक स्टैंडर्ड टाइम टेबल बता रही हूँ, इसके बाद आप अपने हिसाब से उसको एडजस्ट कर सकते हैं। अब इसमें मैंने जितने घंटे आपके पढ़ने के लिए लिखे हैं, ऐसा मत सोचिएगा कि अगर आप और कोई काम कर रहे हैं, घर का कोई काम करना पड़ता है आपको, या फिर आप जॉब जाते हैं, या फिर आपका कॉलेज है, कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ सर्कमस्टांसेस हैं जो आप मतलब इतना जितना मैंने आर्ट्स दिए हैं उतना नहीं पढ़ पा रहे, तो ये मत सोचेगा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि इतने आर्ट्स पढ़ने वालों का ही होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये तो मैं बता रही हूँ, बिल्कुल जो एकदम घर पर रहता है वो अगर पढ़ना चाहता है तो उसको इस तरह से टाइम यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा आप कम घंटे पढ़ कर भी इफ़ेक्टिव रिजल्ट ला सकते हैं, तो ये आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जितने भी घंटे आपके पास बचते हैं उसको अच्छे से यूटिलाइज आपको करना है। तो आइए स्टार्टिंग से बात करते हैं कि कैसा आपका टाइम टेबल होना चाहिए। सबसे पहले मेरे हिसाब से, अच्छा इसमें एक बात और है कि मैंने ये सुबह से, आप अगर उठ जाते हैं और रात को जल्दी सो जाते हैं तो उस हिसाब से मैंने ये टाइम टेबल बनाया है। अगर आप रात में उठकर पढ़ना चाहते हैं, सुबह थोड़ा लेट से उठना चाहते हैं, तो वो भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा ये वीडियो देखने के बाद जब आपको कोई भी प्रॉब्लम होगी, कुछ भी क्वेश्चन होगा, तो आपको पता है कि आप हमेशा कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट कर सकते हैं, अपना जो भी क्वेश्चन है वो पूछ सकते हैं, और मोस्ट प्रोबेबली मैं जो वैलिड क्वेश्चंस होते हैं उनके आंसर्स ज़रूर से ज़रूर करने की कोशिश करती हूँ। तो आइए शुरू करते हैं, मॉर्निंग से हम शुरू करेंगे। मेरे ख्याल से आपको मॉर्निंग अपना स्टार्ट करना चाहिए 5 o'clock से। 5 o'clock आप उठ जाइए और उसके बाद आपके पास 1.5 घंटे होने चाहिए 6:30 तक, 5 to 6:30, जिसमें आप जो आपका डेली रूटीन है वो कीजिए, फ्रेश एंड अप हो जाइए, और नहाना है आपको, सुबह ही नहाना है तो नहा लीजिए, मतलब एक्सरसाइज के बाद, क्योंकि इसी 1.5 घंटे में आधे घंटे आपको एक्सरसाइज के लिए भी निकालना है। आप जैसा भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं, आप योगा करना चाहते हैं, आप वॉक करना चाहते हैं, वो आपको जरूर करना चाहिए। इससे आप पूरा दिन जो है एनर्जेटिक भी रहेंगे, और उसके बाद जो भी आप पढ़ाई करेंगे वो आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे, तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। प्लस इसमें आप कई घंटे बैठ कर पढ़ेंगे तो ये भी काफ़ी बॉडी के लिए हार्मफुल होता है। आपको एग्ज़ाम देना है तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी रहने की ज़रूरत है। इन 1.5 घंटों में 5 to 6:30 आपको क्या करना है, फ्रेशन अप होना है, एक्सरसाइज करना है, और अगर आप तुरंत नहाना चाहते हैं तो आप नहा के बिल्कुल मतलब फ्रेश होकर बैठ जाइए 6:30 बजे तक। 6:30 बजे से आपको 9:30 तक, मतलब 6:30 to 9:30, 3 घंटे की फर्स्ट वो जो सिटिंग है आपकी पढ़ने की वो आपको लेना है। 3 घंटे का ये शिफ्ट होगा आपका 6:30 to 9:30। इसके बाद आपको 9:30 to 11 o'clock रेस्ट लेना चाहिए। उसमें आप ब्रेकफास्ट जो भी आप करना चाहते हैं, बहुत सारे लोग पराठे वगैरह खाते हैं सुबह, तो वो आप इस समय कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं, या फिर इस समय आपके पास सभी 1.5 घंटे का समय है तो जो भी आपका एंटरटेनमेंट का भी कुछ है तो वो भी आप कर सकते हैं इस टाइम में, ठीक है। फिर 11 to 2 आपको फिर से 3 घंटे के सेकेंड जो आपकी सीटिंग है वो होगी। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है ये मैं बाद में बताऊंगी कि आप कैसे इसको डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन अभी आपको मैं टाइमिंग बता देती हूँ। 11 बजे से 2 बजे तक फिर से आपको 3 घंटे की सीटिंग लेनी है। 2 बजे से 3:30 बजे तक फिर से आपका रेस्ट होगा, उसमें आप लंच कर सकते हैं आराम से, लंच करिए, वॉक कीजिए, और आपको जो भी करने का मन है वो आप कर सकते हैं। 3:30 बजे से फिर से आपकी नेक्स्ट सीटिंग होगी 6:30 तक, फिर से आप स्टडी करेंगे। ये भी आपका 3 घंटे का शिफ्ट है तो आप यहाँ 3 घंटे में भी अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं। उसके बाद 6:30 बजे से 7:30 बजे
तक फिर से आप रेस्ट लीजिए, उसमें चाय आप पीजिए अगर शाम की चाय पीते हैं, या आपको जो कुछ भी करना है शाम की, आपको इवनिंग वॉक लेनी है वो कीजिए। मतलब आप समझ पा रहे होंगे कि आपको रेस्ट टाइम में जो भी करने का मन है वो आप कर सकते हैं। 7:30 से फिर से आपको 9:30 तक अपना सॉरी 7:30 से 9:30 तक फिर से आपको बैठ जाना है पढ़ने के लिए। फिर से ये आपका 2 घंटे का शिफ्ट होगा। अब इसमें मैं जो शिफ्ट बता रही हूँ, 3 घंटे का और 2 घंटे का, इसमें आपको ये बात ध्यान रखने की ज़रूरत है कि 3 घंटे आपको लगातार नहीं बैठने हैं, आपको अपने हिसाब से 25 मिनट के बाद 5 मिनट का ब्रेक लेना है उन 3 घंटों में ही। तो आप 25 मिनट पढ़िए, उसके बाद फिर से आप 5 मिनट्स का ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा लेट जाइए, वॉक कर लीजिए, गाने सुन लीजिए, सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक होना चाहिए वो। फिर से आप 25 मिनट बैठिए, फिर 5 मिनट का ब्रेक लीजिए, फिर से 25 मिनट बैठिए। इस तरह से आपको जो भी आपकी सीटिंग्स हैं इसमें आपको ब्रेक लेते रहना है। 3 घंटे आप लगातार नहीं पढ़ सकते, अगर पढ़ेंगे भी तो आपके दिमाग में कुछ भी घुसेगा नहीं। अगर आप रीजनिंग वगैरह कर रहे हैं जिसमें मतलब माइंड का बहुत यूज होता है, तो फिर आप लगातार भी पढ़ सकते हैं, 1-1.5 घंटे तक आप लगातार लगा सकते हैं क्वेश्चंस। लेकिन अगर आप कुछ लर्न कर रहे हैं तो आप 25 मिनट का शिफ्ट ही करिए और उसके बाद 5 मिनट अपना ब्रेक ले लीजिए। तो 7:30 से 9:30 आप फिर से 2 घंटे की सीटिंग लेंगे, पढ़ेंगे। उसके बाद 9:30 टू 10:30 आपका डिनर का टाइम होगा, उसमें आप डिनर भी करेंगे और अपना वॉक वगैरह भी करेंगे। आपको फिजिकल भी अपना बहुत ध्यान रखना है ताकि एग्ज़ाम के समय आपको मतलब प्रॉब्लम ना हो। प्लस अगर आप फिजिकली ठीक रहेंगे तो फिर आपको इतने घंटे पढ़ने में भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको नींद की प्रॉब्लम नहीं आएगी अगर आप वॉक वगैरह करते रहेंगे। अब 10:30 बजे मेरा यही आपको सजेशन रहेगा कि आप 10:30 बजे बिल्कुल बेड पर आ जाइए। 10:30 बजे आप जैसे ही आएंगे वैसे सो तो नहीं जाएंगे, इस वजह से आपको 10:30 बजे बेड पर आना है और 11 बजे तक आप ऐसी पढ़ाई कीजिए जिसमें आप बेड पर रह के कर सकते हैं। जैसे कि लेटे लेटे आप जो भी आपका पहले मतलब जब आपका टाइम फ्री रहे उस समय वोकैबुलरी अपने वॉइस में रिकॉर्ड कर लीजिए। आप एंटोनिम्स रिकॉर्ड कर लीजिए, सोनोनिम्स रिकॉर्ड कर लीजिए, इडियम फ्रेजेस रिकॉर्ड कर लीजिए, ये रखे रहिए अपने पास। जब आप बेड पे आते हैं 10:30 बजे रात को, तो उस समय आप ईयरफोन लगा के ये सुन सकते हैं और सुनते सुनते आपको नींद आ जानी चाहिए और 11 बजे तक आपको सो जाना है, क्योंकि फिर आप अर्ली मॉर्निंग 5 o'clock उठेंगे तो ये मिनिमम आवर्स हैं स्लीप के, 6 आवर्स। अब इसमें भी आप अपना चेंज कर सकते हैं, अगर आपको 7 घंटे की या 8 घंटे की नींद चाहिए तो उस हिसाब से आप अपना इसको बदल सकते हैं। 6, 7, 8 इन्हीं में से आपको अपना नींद डिसाइड करनी है कि आप कितने घंटे नींद ले सकते हैं। 8 से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है और 6 से कम लेने की ज़रूरत भी नहीं है। आपको प्रॉपर स्लीप चाहिए, तभी जब आपका माइंड रेस्ट करेगा, आप रेस्ट करोगे तभी अगले दिन के लिए आप तैयार रहोगे। और ये 3 महीने का आपको तप करना है, तो इसलिए आपको हेल्दी रहना और ऐसा रियलिस्टिक आपको टाइम टेबल बनाना है जिसको आप फॉलो कर सको, 1-2 दिन के बाद उसको छोड़ दो ऐसा नहीं बनाना है। तो ये चीज़ें हैं, प्लस उन लोगों के लिए भी जो लोग सोते समय मतलब सोने के जस्ट पहले मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहते, जैसे मैंने बोला ना कि आप रिकॉर्ड कर लो उसके बाद फिर आप सुनते रहो, अगर वो आप नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप करंट अफेयर्स की मैगजीन पढ़ सकते हैं, क्योंकि वो तो बुक में होगी, मतलब वो हार्ड कॉपी होगी तो आप वो पढ़ सकते हैं और वो पढ़ते पढ़ते आपको नींद आ जाएगी। मेरा बस ये कहने का मतलब है कि आपको 10:30 बजे बेड पर आ जाना है अगर आप मतलब माइंड खोल के बहुत आराम से पढ़ रहे होंगे। 10:30 बजे भी पढ़ने बैठेंगे तो फिर आपको 11 बजे नींद नहीं आएगी, और जब नींद नहीं आएगी और आपका टाइम नींद का बढ़ते रहेगा तो उधर आप अर्ली मॉर्निंग नहीं उठ पाएंगे। तो ये आपका सेट होना चाहिए। अब इस हिसाब से मैंने आपको फर्स्ट सीटिंग 3 घंटे की बताई, सेकंड सीटिंग आपकी 3 घंटे की, थर्ड सीटिंग भी 3 घंटे की है और नेक्स्ट 2 घंटे की है। ऐसी 4 सीटिंग्स मैंने आपको बता दी, इसमें मैंने लास्ट के आधे घंटे नहीं जोड़े हैं। हो सकता है किसी दिन आपको कुछ भी पढ़ने का मन ना करे और आप लेट जाओ तो 10:30 बजे ही आपको नींद आ जाए, वो अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है।
ये चीज़ें आप कर सकते हैं। प्लस 10:30 बजे जब आप लेटेंगे, अगर आप मोबाइल यूज़ कर सकते हैं तो फिर आप करेंट का कोई वीडियो भी देख सकते हैं, है ना, कुछ रिवाइज भी कर सकते हैं, तो ये आपकी मर्जी है बस। लेकिन मैं आपको बहुत ही ज़्यादा ये बोलना चाहती हूँ कि आप जब थोड़ा पहले बेड पे आओगे तभी आप मतलब आधे घंटे के अंदर फिर सो पाओगे, और दिन भर की थकान आपको रहेगी तो फिर आधे घंटे में आराम से आपको नींद आ जानी चाहिए। तो इस तरह से 11 घंटे आपके बनते हैं, वो हाफ एन आवर निकाल के 11 घंटे आपके स्टडी का अच्छा खासा निकल जाएगा अगर आप कोई टाइम वेस्ट नहीं करते हो तो। इसके अलावा जैसे मैंने बताया 11 घंटे काफ़ी होते हैं, अगर आपके बीच बीच में कुछ कुछ शेड्यूल हैं, आप कहीं कोचिंग जाते हो तो जाने आने का टाइम लगता है, वहाँ पर पढ़ने का टाइम लगता है, अगर आपको घर का कोई काम होता है रेगुलरली वो काम है, या खाना बनाते हैं आप, तो जो भी आपका काम है वो आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं और अपने घंटे घटा सकते हैं, और उसी हिसाब से अपना जो सिलेबस है जैसे मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि कैसे आपको कंप्लीट करना है, वो आप अपने हिसाब से कंप्लीट कर सकते हैं। क्वेश्चन कोई भी होगा तो आप कॉमेंट बॉक्स में उसको पूछ सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको पढ़ना क्या क्या है। अब इनमें कैसे आपको किन घंटों में क्या चीज़ें पढ़नी है ये मैं आपको नहीं बताऊंगी, ये आप अपने हिसाब से सेट कर लेना कि आपको कौन से घंटे में क्या पढ़ना है। ये तो आपको सबको पता होगा कि जब आप मॉर्निंग में उठो तो फिर आप लर्न करने वाली चीज़ें पढ़ो, जैसे कि वोकैबुलरी डाल दो या फिर GS डाल दो, जिसमें आपका माइंड फ्रेश रहेगा तो आपको लर्न जल्दी से हो जाएगा। दोपहर के समय आप लर्न वाली चीज़ें मत करो, मतलब कि याद करने वाली जो चीज़ें रटने वाली वो चीज़ें मत करो, उस समय आप रीजनिंग वगैरह लगा सकते हो या फिर इंग्लिश के क्वेश्चंस लगा सकते हो, मतलब कि रूल्स याद मत करना बट इस तरह के क्वेश्चंस आप सॉल्व कर सकते हो जिसमें दिमाग हमेशा काम करते रहेगा, तो दोपहर में आपको नींद नहीं आएगी, ठीक है। बाकी सुबह और शाम को आप रटने वाली चीज़ें डाल सकते हैं। आपको पढ़ना क्या क्या है पता है आपको कि GS आपको पढ़ना है जिसमें कई सारे सब्जेक्ट्स होंगे आपको, फिर उसके बाद रीजनिंग पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, वोकैबुलरी को मैं अलग सेक्शन दे रही हूँ और इसके साथ ही करेंट को भी मैं अलग सेक्शन मानकर चल रही हूँ। अब इसमें आप वोकैबुलरी में ये टिप है कि आप वोकैबुलरी डेली करो, है ना, आपको डेली कुछ कुछ बांट लेना है कि मैं आज के दिन मतलब हर दिन मैं 25, 30 या 50 जो भी आपका स्टैमिना है उतना वोकैबुलरी लर्न करूँगा, क्योंकि आप डेली लर्न करोगे आज से 3 महीने तक और उसको रिवाइज करोगे तब जाके आपका अच्छा खासा वोकैबुलरी तैयार होगा, तो वो चीज़ आपको करनी है। लेकिन बाकी जितने सब्जेक्ट्स हैं वो सब आप एक दिन में नहीं पढ़ सकते, आपके पास इतना ना तो टाइम है, और अगर आप मान लीजिए एक ही दिन में सब कुछ कवर करने की कोशिश करते हैं तो रीजनिंग को आप 1-2 घंटे देते हैं तो आपका उसमें बन नहीं पाएगा, ठीक से फ्लो नहीं बनेगा, ठीक है। ऐसा ही GS में भी होता है, आपको मान लीजिए हिस्ट्री पढ़ना शुरू कर दिया, आपको अच्छा लगने लगा, फिर 1-2 घंटे बाद आपका टाइम खत्म हो गया तो फिर आपको लगेगा कि अरे यार मतलब ये फ्लो नहीं बन पाया। तो आपको क्या करना है, ये पूरे सेक्शन को 2 हिस्सों में बांट देना है और एक दिन आपको एक हिस्सा पढ़ना है, दूसरे दिन दूसरा हिस्सा, फिर तीसरे दिन आपको पहला वाला पढ़ना है। जैसे आप पहले दिन रीजनिंग रख लो और इंग्लिश रख लो कि आप इंग्लिश पढ़ोगे और रीजनिंग पढ़ोगे, ठीक है। उसके बाद वो कैब तो आपको डेली करनी ही करनी है। नेक्स्ट डे के लिए आप रख सकते हो रीजनिंग फिर से रख लो अगर आपको लगता है कि रीजनिंग में ज़्यादा पढ़ना है, या फिर आप GS 2 दिन रख सकते हो, रीजनिंग और इंग्लिश को अलग अलग कर सकते हो। आई होप आई एम क्लियर कि आपको ये जितने सब्जेक्ट्स हैं वो कैबलरी को छोड़कर जितने सेक्शन मैंने आपको बताए हैं वो आपको 2 भाग में बांट लेना है, जिससे आपकी तैयारी थोड़ी सी अच्छी मतलब फ्लो आपका अच्छा बन जाएगा। एक दिन में आप सब लेकर चलने की कोशिश करोगे तो आप उतने अच्छे से इफेक्टिव तरीके से नहीं पढ़ पाओगे, ठीक है। तो ये आपको करना है। प्लस दूसरी टिप क्या है आपके लिए, जैसे मैंने आपको बताया कि आपको वॉक करना है, सुबह भी आप वॉक करोगे, खाने के बाद आप वॉक करोगे, लंच के बाद, फिर डिनर के बाद, तो उस टाइम को भी आप यूज़ कर सकते हो। ये उनके लिए है जो लोग जॉब करते हैं या फिर जिनको और भी काम है, जो ये 11 घंटे पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये टाइम मोर देन सफिशेंट है। इस टाइम में अगर आप पढ़ोगे तो आपका बिल्कुल अच्छे से मतलब तैयारी आपकी हो जाएगी। लेकिन जो लोग इतना 11 घंटे नहीं दे पाएंगे उनके लिए ये टिप है कि जब आप वॉक कर रहे हो तो उस समय जो मैंने अभी आपको बताया कि वोकैबुलरी आप रिकॉर्ड करके रखो उसको आप सुन सकते हो वॉक करते समय। तो म्यूज़िक सुनने के अलावा मतलब बजाय आप ये कर सकते हो, उससे आपका वॉक का भी टाइम यूज़ हो जाएगा, आपका वॉक भी हो जाएगा, प्लस आपको कुछ लर्न भी हो जाएगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आप मतलब इस तरह से टिप यूज़ कर सकते हो, या फिर कोई करेंट का वीडियो है वो सुन सकते हो, है ना,
क्योंकि करण का जो वीडियो है उसमें बार बार ऐसा स्क्रीन देखने की जरूरत नहीं पड़ती है, जो भी वीडियो बना रहा है वो इस तरह से बोलता है कि आपको सिर्फ अगर आप उसको सुन रहे हो तो भी आपको कुछ ना कुछ आइडिया लग जाएगा। तो अब प्लस ये भी है कि अगर आप जॉब करते हो कहीं, मान लीजिए ओला उबर या फिर बस से जाते हो या इस तरह के ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हो आप जिसमें आपको ड्राइव नहीं करना, आपको राइड नहीं करना है, आप पीछे बैठते हो, तो उस समय भी आप वो टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब ये बात इसमें ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये जो मैंने टाइम टेबल बनाया है वो मैंने सिर्फ वीक डेज के लिए बनाया है, यानी 6 डेज के लिए बनाया है, मंडे टू सैटरडे। सैटरडे तक आपको ये चीज़ करना है, 6 दिन करना है। 7वें दिन यानी संडे के दिन आपको क्या करना है, अब ये संडे आप अपने हिसाब से कर सकते हो, आप मंडे को ये काम कर लो जो मैं संडे का बता रही हूँ, ट्यूसडे कर लो, जिस भी दिन आपको करना है वो आपके ऊपर है, पर यहाँ पे मैं स्टैंडर्ड बताने के लिए बता रही हूँ कि मंडे टू सैटरडे आप एक तरह से लेकर चलो, उसके बाद 6 दिन, उसके बाद आप क्या करोगे, संडे को आपको क्या करना है, फर्स्ट हाफ में जब आप उठोगे, अच्छा इसमें ये मत करना कि संडे आज तो आराम से सो लेता हूँ, संडे को भी आप आराम से उसी टाइम पे उठना जिससे आपका जितना भी टाइम है इन 3 महीनों में वो पूरा यूज़ हो पाए। तो संडे को भी आप सुबह उठ जाओगे 5 बजे, अपना काम करोगे 6:30 बजे से आप तैयार हो पढ़ने के लिए, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट हाफ में आपको जो भी आपने पिछले वीक में, मतलब इस वीक में जो भी कुछ पीछे पढ़ा हुआ है मंडे टू सैटरडे, वो सब कुछ रिवाइज करना है रीजनिंग के अलावा। रीजनिंग के अलावा आपको करेंट, आपने जो भी वीडियो देखी है उसको रिवाइज करना है, मैगजीन में जो भी पढ़ा उसको रिवाइज करना है, आपको वोकैबुलरी रिवाइज करनी है जल्दी जल्दी, आपको जीएस में आपने जो भी पढ़ा है उसको रिवाइज करना है, और इंग्लिश में जो भी आपने रूल्स पढ़े, जो भी टॉपिक्स पढ़े हैं उसको आपको रिवाइज करना है। रीजनिंग आप छोड़ सकते हैं, आपके ऊपर है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो फिर वापस से आप उन्हीं टॉपिक्स को बाद में प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन इन जो 4 सेक्शंस हैं उनको तो आपको पक्का करना ही करना है। तो फर्स्ट हाफ में आपका ये काम होगा, सेकेंड हाफ में आराम करने के बाद या लंच करने के बाद आपको क्या करना है, मॉक टेस्ट देना है। एक मॉक टेस्ट तो आपको देना ही देना है किसी भी कीमत पे। अगर आपको ये जॉब और ही ज़्यादा चाहिए, मतलब बहुत ही ज़्यादा ललक है इस जॉब की, तो आपको दो ये जो मॉक टेस्ट हैं वो देने हैं, 2-2 घंटे के होते हैं, तो 4 घंटे आपके मॉक टेस्ट में हो गए और 1-2 घंटा आप ले लो आपका एनालाइज करने में, तो पूरा सेकेंड हाफ रात तक आपका बाकी रहेगा, उसमें आप आराम से 2 मॉक टेस्ट दे सकते हो, वो आपको करना है। एनालाइज कैसे करना है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगी, लेकिन अगर आपको पता है कि मॉक टेस्ट कैसे एनालाइज करते हैं तो वो आपको जरूर से जरूर करना है, सिर्फ मॉक टेस्ट देना आपका काम नहीं है, इसलिए मैं एनालाइज करने का भी टाइम आपको बता रही हूं कि इतना टाइम उसमें भी लग सकता है, ठीक है। इसके बाद आपको मॉक टेस्ट के लिए कॉपी भी बनानी है, मतलब मॉक टेस्ट के लिए ही नहीं, वैसे भी आपको 3 तरह की कॉपी बनानी है, 3 तरह नहीं, आप ले लीजिए 4 तरह की कॉपी आपको बनानी पड़ेगी, एक तो इंग्लिश की, दूसरी जीएस की, तीसरी आप इसकी बनाएंगे स्टैटिक्स की, और चौथी आप बनाएंगे वोकैबलरी की। करंट अफेयर्स आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये 4 में आप क्या करेंगे, आप भले ही नोट्स बनाइए या नहीं बनाइए, ये आपका डिसीजन है, आप नोट्स बनाते हैं या नहीं बनाते हैं, नोट्स ना बनाइए, लेकिन जो आप मॉक टेस्ट में दे रहे हैं, जो मॉक टेस्ट आप देते हैं उसमें जो भी आपके क्वेश्चंस मिल रहे हैं स्टैटिक जीके के, उसको आपको जीके वाली कॉपी में लिखना है, जो भी आपके इंग्लिश के क्वेश्चंस बन रहे हैं जो आपको लगते हैं कि ये बुक में शायद नहीं है, वो आपको सब कुछ लिखना है। वोकैबुलरी तो आपको पक्का से लिखनी है, जितने भी आप मॉक टेस्ट देंगे उसमें जितनी वोकैबुलरी है आपको सब कुछ कॉपी पे नोट करना है, तभी आपको मॉक टेस्ट का पूरा पूरा फायदा होगा। अब इसमें और कुछ बताने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल आपको अपनी ये तैयारी लेकर चलनी है, ज्यादा कुछ इधर उधर नहीं करना है आपको कि ये भी कर लेता हूँ वो भी कर लेता हूँ, इसमें क्या कर लूँ उसमें क्या कर लूँ, जितना आप कॉम्प्लिकेट करोगे इस पूरी तैयारी को उतना ही आप इसमें बचते चले जाओगे। आपको 3-4 लोग अलग अलग तरीके की चीज़ें बताएंगे, आपके लिए क्या स्ट्रेटेजी काम करती है वो अंत में आपको ही देखना है, आपको ही सोचना है, जो भी मैं यहाँ पे बोल रही हूँ 100% आपके लिए काम करे ऐसा ज़रूरी नहीं है, और बहुत ही कम चांसेस है कि एकदम 100% आपके लिए वो चीज़ें काम करे, आपको इसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा अपने हिसाब से, आपका जो कमज़ोर है उस पर आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। हो सकता है कि कोई आप में से ऐसा हो जिसका रीजनिंग बहुत ही अच्छा है, उसको रीजनिंग में इतना टाइम देना ही नहीं है, तो फिर आपको क्या करना है कि ये जो आप 2 दिन
बांट रहे हैं उसमें आप रीजनिंग को कम समय दो, बाकी जीएस को अच्छे से समय दो, इंग्लिश को अच्छे से समय दो, दोनों ही दिन आप जीएस और इंग्लिश पढ़ रहे हो और रीजनिंग को थोड़ा थोड़ा पढ़ रहे हो। तो इस तरह से आपको अपने हिसाब से कुछ ना कुछ तो चेंज करना ही पड़ेगा। प्लस आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। मेरा एक ब्लॉग चैनल है जहाँ पे आप जाकर वीडियोस देख सकते हैं। मैं ऑफिस के और अपने घर के वीडियोस बनाती रहती हूँ ऐसे ही रैंडम। और ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, प्लस सब्सक्राइब कर दीजिए। मतलब 50% में लोग हैं जो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है लेकिन वो वीडियो देखते हैं, तो आई रिक्वेस्ट यू कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।